ये देखिए, ये जो किचन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये किचन ऑलरेडी हो चुका है, तो कैसे ये हम लोगों ने बनाया, तो कौन सा वुड, कौन सा हिंज, कौन सा चीज़, कौन सा मटेरियल हमने बनाया है, और इसमें कौन सा सबसे बढ़िया होता है, दाम सही होता है, कम दामी दम कम नहीं होता है, दम सही है तो चीज़ बेहतर, ब्रांड बेहतर होना चाहिए, कौन सा चीज़ मैंने इसमें लाया। और देखिए ये एक वेंटिलेशन है, ये वेंटिलेशन ही मैंने क्यों दिया, सब कुछ आगे चलकर हम बताएंगे, लेकिन वीडियो में हम कंप्लीट नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप 4, 5, 6, 7 ये वीडियो करना पड़ेगा, कौन सा सिर्फ सब कुछ में मैंने आपको हम दिखाएंगे। तो ये किचन कैसे आपको करना है, तो आगे चलिए और चलकर देखिए कौन सा चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। देखिए ये जो किचन वायर बॉक्स का सामने जो बोर्ड है, वो बोर्ड ऑलरेडी यस्टरडे ये अटैच कर दिया है। अभी ऊपर में जो माइका है, लैमिनेट उस ऊपर में अटैच होगा, चिपकाएगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ग्रीन प्लाई का है। ये थाली का बास्केट है, मैंने जो दिखाया था पहले थाली बास्केट, नीचे में आएगा, इसका हाइट 8 इंचेस है, ये जो चौड़ाई में है 19 इंचेस है, और जो लंबाई में ये 21 इंचेस है, मुझे लगता है 21 इंचेस है, इतना याद नहीं है, तो इसका शादी होगा। देखिए इसका साइड बहुत ही अच्छा है। तो ये थाली का है, और ये जो है ये प्लेन है, ये इसको कहते हैं प्लेन बास्केट, ये लगा दिया, इसके थोड़ा सा होल भी लगा कर रखा है, और ऊपर में कटलरी है। देखिए ऊपर में कटलरी है, तो एक दो ये सब में ही आता है, ये ऑर्डिनरी, ये जो ट्रेडिशनल रूल्स है, ये ट्रेडिशनल रूल्स है बास्केट लगाने का, नीचे थाली होगा, बीच में ऑर्डिनरी होगा सब कुछ रखने के लिए, और ऊपर में कटलरी, जो चम्मच नाइफ ये स्लैब टाइप ये होता है, ये इसमें लाएगा। तो ये जो देखिए अभी सब ऑलरेडी ये कॉर्नर लगा हुआ है, साइड में भी ये लगा कर रखा, ये सब वेंटिलेशन के लिए है, इसमें गैस अंदर में जाएगा, ये भी वेंटिलेशन के लिए है, सब कुछ वेंटिलेशन के लिए लगाया है। अभी क्या करेंगे, ऊपर में माइका लगाना है, माइका लगा कर बस ये इसका काम फिनिश। और साइड में है ये बीट लगा कर रखा है साइड में, इसमें भी माइका लगेगा। ये अभी माइका के पीछे वाला सरफेस में फेविकॉल ये लगा रहा है, ऊपर वाला माइका का ये रंग मेरिनो ब्रांड का है। इसके ऊपर ग्रीन प्लाई का है, ये पल्ला है, और बीच में ये जो स्क्वायर कटिंग है ये वेंटिलेशन के लिए है, तो इसमें फेविकॉल। और मैं पूरा वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे साथ है चाचा जी है, चाचा जी ने पूरा किचन का ये जो किचन का मॉड्यूलर किचन है पूरा बनाया। आपको अगर इनका काम पसंद आया है तो कांटेक्ट कर लीजिए, इनका कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
बहुत बहुत ही अच्छा काम है। काम धीरे धीरे होता है लेकिन अच्छा होता है, बढ़िया होता है। ये देखिए, ये ऑलरेडी ये जो पल्ला है, ये जो डोर है, डोर ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये जो नीचे है, ये वेंटिलेशन वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो इससे डैम्प, इसके अंदर जो खाने का डैम्प है वो डैम्प नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए, ये ग्रीन प्लाई का है। और एक चीज़ देखिए, अंदर में माइका है। देखिए अंदर में माइका है। और एक चीज़ देखिए, इधर में कब्जा लगा हुआ है, हिंजेस लगा हुआ है। ये देखिए, हिंजेस लगा है, अंदर से हिंजेस लगा है। और साइड में हम लोगों ने ये हिंजेस लगाया। देखिए, ये हिंजेस लगाया। अभी ऊपर में माइका चिपकेगा। ये देखिए, साइड में ये भी इसमें लगेगा। इसमें इसमें ये जो है, ये सब लगेगा इसमें। ये बाहर का पार्ट है। ये देखिए, ये बाहर का पार्ट है, ये अंदर का पार्ट है। अंदर का पार्ट में, और ये जो खुलेगा, देखिए ये कॉर्नर है। कॉर्नर में ये देखिए, ये डबल फोल्ड, ये फुल हिंजेस है, डबल फोल्ड। ये 3 इंचेस का है। और इसमें कॉर्नर, ये देखिए, ये देखिए, इसमें ये जो हिंजेस है, ये देखिए हिंजेस को, देखिए इधर में और नीचे में हिंजेस है। ये तो अभी इसमें एक मैग्नेट अटैच होगा इसमें।